हाय गाइस वेलकम। तो इंडियन रेलवेज आपको पता होगा एक मिशन पे है। मिशन क्या है? कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन, या ऐसा ना बोल के ऐसा बोल दूं कि रेलवेज ग्रीन रेलवेज बनने की तरफ आगे बढ़ रही है। यानी पोल्यूशन खत्म करो रेलवेज से, वेस्टेज खत्म करो, ये टारगेट है। अब उसके लिए क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है, राइट। कोई नई ट्रेन आ रही है? हाँ, RRTS और मेट्रोज बन रही हैं, लेकिन वो भी इलेक्ट्रिफिकेशन पे ही चलती है। ठीक है, ये भी सही हो गया। लेकिन वेट, हाइड्रोजन ट्रेन भी तो आ रही है, ये फ्यूल पे चलेगी, हाइड्रोजन पे। लेकिन अब क्यों? क्वेश्चन ये है, अगर इलेक्ट्रिफिकेशन कर ही दिया है सबका, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स हैं हमारे पास, हम तो खुद बना रहे हैं उन्हें इंडिया में ही, तो हमारा पर्पस तो ग्रीन रेलवेज वाला पूरा कर देगा ये। फिर हमें हाइड्रोजन ट्रेन क्यों चाहिए? और अभी तो 35 हाइड्रोजन ट्रेन के लिए बिडिंग वगैरह शुरू होने वाली है। तो देखो, ये क्वेश्चन ना मैंने देखा था और इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहला रीजन इंडिया की ज्योग्राफी है। मतलब क्या हुआ इसका? देखो, इंडिया में ना आपको पता है कि दार्जिलिंग, शिमला, मसूरी, नॉर्थ ईस्ट, कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पे नेचुरल ब्यूटी बहुत है। ऐसे कई हेरिटेज रूट्स हैं इंडिया में जहाँ पे नैरो गेज ट्रेन्स आज भी चलती हैं और लोग उसको एंजॉय करते हैं। तो ऐसे में वहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन करना कहीं ना कहीं इन रूट्स की ब्यूटी को खराब कर सकता है। आपको वायर्स लगानी पड़ती हैं, पोस्ट लगाने पड़ते हैं, कंट्रोलिंग स्टेशंस, ऐसी बहुत सी चीजें लगती हैं जो कि उस चीज को काफी कॉम्प्लेक्स कर देता है। उसके मुकाबले जैसा एग्जिस्टिंग सिस्टम वहाँ पे है आज, एक सिंपल सा छोटा सा ट्रैक, बाकी वहाँ पे लोग ट्रेन में बैठ के चारों तरफ क्लियरली देख भी नहीं पाएंगे क्योंकि नेचुरल ब्यूटी से ज्यादा तो पोल्स और वायर्स ही दिखेंगे। दूसरा, इसमें आपको इनके लिए एक अलग ट्रेन लगानी पड़ेगी उन रूट्स के लिए, क्योंकि भारी भरकम इंडियन रेलवेज में जो इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती हैं वो हम लोग उन रूट्स में नहीं चला सकते, तो छोटी इलेक्ट्रिक ट्रेन बनानी पड़ेंगी और वो चीज करना और भी ज्यादा मुश्किल है। एक और बात कि इन रूट्स पे ट्रेन चलती कितनी है, क्या उतनी फ्रीक्वेंसी रहती है जो ओवरऑल इंडियन रेलवेज में बिजी रूट्स पे रहती है? नहीं, आज भी थोड़ा सा स्टाफ मिलके इन रूट्स को आसानी से मैनेज कर सकता है क्योंकि गिनी चुनी ट्रेन ही चलती हैं। तो फिर क्या तगड़े सिग्नलिंग सिस्टम की जरूरत है? नहीं, जनरली ही ऐसा होता है कि थोड़े से सिग्नलिंग सिस्टम की जरूरत इन लोगों को पड़े, क्योंकि एक तरफ से अगर ट्रेन निकल गई तो बीच में कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है और ना ही वो ऐसी कोई हाई स्पीड में चलती है कि भाई इतना बड़ा रूट कवर कर रहे हैं कहीं खो जाएंगे, पता नहीं चलेगा कि आगे से ट्रेन आ गई, या जो भी है स्पीड है बहुत ज्यादा है, कुछ हुआ तो ट्रेन रुक नहीं पाएगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम वहाँ नहीं है। तो इसलिए एक्चुअली इतना ज्यादा वहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन करके इंफ्रा खड़ा करना ना कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है, इसीलिए हाइड्रोजन ट्रेन इन रूट्स के लिए प्रायोरिटी पे शुरू की जाएंगी। कालका शिमला पे भी अभी कुछ समय पहले टेस्टिंग की गई है हाइड्रोजन ट्रेन की, इनमें हमें कुछ चेंज नहीं करना होगा सबसे पहले उन रूट्स के हिसाब से। दूसरा, छोटी हाइड्रोजन ट्रेन आसानी से बनाई जा सकती है, कोई इलेक्ट्रिफिकेशन की जरूरत भी नहीं होगी और आसानी से इनको रिप्लेस भी किया जा सकता है एग्जिस्टिंग ट्रेन से, क्योंकि हमें कोई चेंजेस करने ही नहीं पड़ेंगे। तो यही है कुछ कारण, मैंने क्वेश्चन देखा था तो मुझे लगा आंसर करना जरूरी है। बाकी क्या रेलवे इन हाइड्रोजन ट्रेन को आने वाले टाइम में कुछ और रूट पे भी चलाने का सोचती है वो देखने वाली बात होगी। वीडियो में अभी तो इतना ही, मुझसे आप पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं इंस्टा ट्विटर पर जुड़ जाना। फिर मिलूंगा एक और नई अपडेट के साथ में, एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।